फिर क्या मौसम हो रखा है, कितनी तेज बारिश हो रही है। शामी चारुष, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सिर। ओह सानी, क्या तुम अभी भी लिटिल नाइटमेयर्स खेल रहे हो? हाँ, मुझे बस ऐसा लगता है कि मुझे इस गेम को असल जिंदगी में जीना होगा और राजर को हराना होगा। खैर फिर मैं एक मिनट में चेंज करती हूँ, फिर तुम्हारी मदद करती हूँ। हाय दोस्तों, आज हम सबसे डरावनी गेम के ऊपर क्राफ्ट बनाने वाले हैं। क्या तुम ये सब बंद करोगे? चलो भी सामी, एक पॉइंट के बाद सब कुछ डरावना लगना बंद हो जाता है। हाय दोस्तों, काफी समय से नहीं मिले। सच में हम पहले ही कुछ डरावने क्राफ्ट बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस बार हम गेम के अंदर एक रूम में होने वाली कुछ डरावनी चीजों को कंबाइन करेंगे। ये रहा फर्श, ये मजेदार होने वाला है। मजेदार कैसे समझाना? सुजी, क्या डरावनी चीज तुम्हें मजेदार लग रही है? खैर वो पक्का बोरिंग तो नहीं है। क्या तुम्हें पक्का अभी भी याद है कि क्ले से काम कैसे करते हैं सीजी? वैसे मैं तुम्हारी मदद की उम्मीद कर रही थी सामी, वैसे भी बेड के बिना बेडरूम पूरा नहीं होता। और कुछ मत कहो, सुपर सैम क्ले मास्टर आ चुका है। हे, काफी जल्दी बना लिया, मैंने फिर से सब कुछ मिस कर दिया। चिंता मत करो सामी, हमारे पास तुम्हारे बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मुझे पता था तुम मेरे बिना कोई क्राफ्ट पूरा नहीं कर सकती। चलो इसे असली जैसा दिखाने के लिए कुछ चीजें और रख देते हैं। हम ब्लैंकेट को थोड़ा सा फैला कर रख देंगे ताकि ऐसा लगे कि अभी अभी कोई बेड से उठा है। या शायद अभी भी कोई बैठा है। ओ वाह दोस्तों, देखो ये नॉम है और हमारे क्राफ्ट का पहला कैरेक्टर भी। तुम यहाँ पर बैठो दोस्त। असल में गेम में प्लेयर्स को क्रिएचर्स का पीछा करके उन्हें हक करना होता है। ओह सच में, ये बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा। अभी तुम क्या कर रही हो सिव? मुझे लगता है इसे लेडी कहते हैं और गेम में ये गाना गाती है या वैसा ही कुछ। ये बहुत खतरनाक है सिव, एक बार इसकी आंखों में देखा और खैर गेम खत्म। पर हम सबको पता है कि इसे हराना कैसे है, है ना? मुझे शीशे पर ये क्रैक्स पसंद आए और ये हो गया बढ़िया। और आप दुनिया के सबसे सख्त टीचर के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? इसकी सजा मिलेगी। ओ, मेरे स्कूल में भी एक थी, वो बिल्कुल भी शरारत बर्दाश्त नहीं करती थी। दोस्तों अब हमें एक डरावने कैरेक्टर को बनाने के लिए एक तरह का सॉसेज बनाना होगा। क्या उसने उसकी गर्दन को खींच कर इतना लंबा कर दिया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता सामी। इसके बारे में मोनो को बोलो। हो गया, अब ये पेंटिंग काफी डरावनी लग रही है। ठीक है, हमने आधा कमरा भर दिया है, बाकी आधे का काम एक छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं। फिर वो डरावना शेफ पिज्जा को ओवन से बाहर निकालता है और वो पूरा मेल्टेड चीज से ढका होता है। ठीक है मैं देख रही हूँ, पर तुम ये क्राफ्ट पूरा करना चाहते हो या नहीं? तुम अभी भी मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगी, मैं आ रहा हूँ सिव। सामी ये देखो। क्या? 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 ये तो वही मेरे डरावने सपने जैसा चीज वाला शेफ लग रहा है, बस इस वाले को मीट पसंद है। गेम में ये अपने जुड़वा भाई के जैसा मास्क पहनता है और किसी को भी नहीं पता कि इनका असली चेहरा कैसा दिखता है, पर जब भी उन्हें खाना होता है वो बस मास्क के अंदर अपना हाथ घुसाते हैं और सिव, मुझे तुम्हारे कमेंट्स जाने बिना अभी से अजीब सा महसूस हो रहा है। ठीक है सामी, शुक्रिया। चलो अपने डरावने शाफ को पूरा करते हैं, ये हो गया। हो गया, काश ये असली वाले जैसा दिख रहा हो। क्या तुमने पूरा कर भी लिया सिव? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तब से मैं क्या कर रहा था। क्या मैं दिखाऊं? ओह फिर तो मैं भी देखना चाहती हूँ, पर पहले इन ट्विंस को देखो, ये बिल्कुल भी डरावने नहीं लग रहे। रुको सिव, मैं अभी उस चीज को लेकर आता हूँ। हर कमरे में एक अच्छा बुक शेल्फ होना चाहिए। वाह तुमने एक टूटी हुई ड्रॉअर भी बनाई है, बिल्कुल गेम वाली की तरह। चलो इसे यहाँ रखे दीवार के पास। हॉप, अब हमारे पास इन डरावने लोगों को रखने के लिए बढ़िया जगह है। सुजी, और ये जगह खाली क्यों है? क्या मैं सब देख पाऊँ? इसलिए इसलिए ताकि जनरेटर तुम तक पहुँच पाए। ओह सामी, तुम्हें डराना कितना आसान है। दोस्तों हम इस क्ले के पीस को अच्छे से फ्लैट करना होगा, कुछ ऐसे। आपको स्लीव बनाने के लिए ऐसी शेप की जरूरत होगी। जेनिटर को उसकी स्कल और यहाँ वहाँ से उतारी हुई स्किन से बनाएंगे?
नहीं, मेरे ख्याल से हाथों से काम बन जाएगा, तब भी काफी डरावना है। अब ये स्लीव जैसा लग रहा है, चलो असली बाजू लगाते हैं और स्लीव के किनारे को इस तरह दबाएं। अब इसे और असली जैसा बनाने के लिए कुछ फोल्ड बनाने का समय है, कुछ इस तरह। अगर आपके पास खास टूल नहीं है तो आप किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वुडन स्क्यूअर या कहे तो पेंसिल। ये फनी नहीं है सीव, बिल्कुल भी फनी नहीं है। चलो वापस तुम्हारी इस जगह के सवाल पर चलते हैं सामी। ये देखो, बुरा नहीं है। हाँ, हम इसे यहाँ रखेंगे। हे रुको, मुझे देखने दो। क्या बात है सीव, ये बढ़िया लग रहा है और बिल्कुल 3D इफेक्ट जैसा लग रहा है। शुक्रिया। वैसे दोस्तों, यहाँ पर इस लड़के को देखो, बढ़िया लग रहा है ना? चलो फिर से क्रिएटिविटी दिखाते हैं और हाथों को लगाते हैं। पहले वाला यहाँ लगेगा और दूसरा हाथ बेड पर रहेगा। हो गया। आखिर में हम इसे दरवाजे पर टांगेंगे। अगर आपको अभी तक ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कहीं जाना मत, हम अभी 1 सेकंड में वापस आते हैं। सामी, मैंने देखा कि तुमने 6 की पिक्चर बनाई है। मुझे लगता है इसके बिना हमारा क्राफ्ट कूल नहीं लगेगा। वैसे ये आइडिया बढ़िया है, पर क्यों ना हम असली कैरेक्टर बनाएं? मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी बड़ी हो, तो मैं बेस के लिए इन तारों का इस्तेमाल करूँगी। इसका इस्तेमाल ध्यान से करना, क्योंकि ये किनारों से काफी नुकीली हो सकती है, और इस स्टेज में किसी बड़े की मदद जरूर लेना। मुझे लगता है तुम्हें बहुत सारी येलो क्ले की जरूरत होगी सूजी। ओह शुक्रिया सामी, हम उसकी बॉडी बनाने के लिए बेज क्ले का भी इस्तेमाल करेंगे। हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले ग्रीन स्लीव्स बनाई थी। जल्दबाजी मत करना, ये काम बिल्कुल सही से होना चाहिए। मुझसे रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं हो रहा। मुझसे भी। जल्दी करो फिर। अब हमें येलो क्ले की जरूरत है, कहाँ पर है? मैं बस मदद करना चाहता था, येलो माफ करना। येलो तुम पर अच्छा लग रहा है, पर चलो वापस अपनी फिगरीन पर आते हैं। आपको पहले से ही ये प्रोसेस पता है दोस्तों, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर के बारे में मत भूलना, तुम हमारी मदद करोगे दोस्त है ना? बस थोड़ा सा और, चलो किनारों को यहाँ पर मोड़ दे और ये हाथ तैयार है। अब हमें इस फिगरीन को पूरा करने के लिए और क्ले की जरूरत होगी। सामी, क्या तुम थोड़ा ला दोगे? बस 1 मिनट सी। शादी खत्म हो गया, कुछ और खरीदना होगा। 1 सेकंड रुको। मेरे ख्याल से इसमें काफी ज्यादा समय लग जाएगा, तो मैं थोड़ी जादू का इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो शानदार, बढ़िया लग रही है। ये छोटी डिटेल्स कितनी प्यारी लग रही है, और इसके छोटे हाथ बिल्कुल असली लग रहे हैं। और दोस्तों, ये प्यारे पैर देखो। ये कितनी कूल है, मुझे देखने दो। लगता है तुम्हारे जादू से सिक्स ने सच में अपना सर खो दिया है। देखो कौन हंस रहा है, क्या तुम्हें अब हमारे क्राफ्ट से डर नहीं लग रहा सामी? नहीं, मुझे अब इसकी आदत हो गई है। तुम्हें पता है मुझे सच में जादू का इस्तेमाल करना पसंद है, तो एक बार फिर उसकी मदद लेते हैं। बढ़िया, अब सर को लगाते हैं। हमें बस अब थोड़ी और डिटेल्स लगानी है और ये तैयार हो जाएगा। मुझे पता है यहाँ क्या मिसिंग है, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह गिर रहे क्ले से बने बाल। चलो देखते हैं, और दूसरी तरफ भी, और उस तरफ थोड़े और। वाह, ये एक साथ डरावनी और कूल दोनों लग रही है। और हमारा क्राफ्ट तैयार है, रूम टूर के लिए तैयार हो दोस्तों? तो फिर अपनी सीट बेल्ट पहन लो, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। डरावना और बढ़िया देखने के लिए तैयार हो तो हमारे साथ आओ। Thank you.
सामी, सामी, तुम कहाँ हो? खेलना चाहोगी? आह, पकड़ लिया। ये सही नहीं है, सीव। मैं तुम्हें डराना चाहता था। पहले क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को गुड बाय कह दें? दोस्तों, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डरावने सपने सच नहीं होते। हमारे साथ आज बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।